गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज जो बच्चों मैंने आपके लिए होमवर्क दिया है, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। बच्चों जो भी जितनी भी वीडियो आपके लिए सेंड करें वो ध्यान से समझेंगे और ध्यान से ही होमवर्क करेंगे। क्लियर? डेट 6 मई 2020, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 3rd और डे वेनसडे। जिस तरीके से बच्चों ये मैंने मेंशन किया है इसी तरीके से आप भी मेंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अंडरलाइन द नाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें बच्चों आप देख पा रहे हैं कि मैंने आपको 1 से लेके और 4, ये मैंने कितने 4 सेंटेंसेस आपके लिए नोट डाउन किए हुए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो इसमें आपको बच्चों करना क्या है, इसमें आपको जो नाउंस हैं नाउंस के नीचे अंडरलाइन करनी है। एक मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, बाकी की आप कर लेना। गिव मी अ पेन। तो इसमें आप देख पा रहे हैं बच्चों कि इसमें जो गिव है वो क्या है, वो वर्ब है। मी क्या है, प्रोनाउन है। ए क्या है, आर्टिकल है। ठीक है, और ये बचा ये पेन। तो ये पेन क्या है, ये पेन आपका है नाउन। तो इस बच्चों आपको करना क्या है, इस पे इसके नीचे, इस पेन के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा, है ना। तो अगर फिर भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो इस सब्जेक्ट में आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आपको सही वर्क करना है, कंफ्यूज्ड आप बिल्कुल नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 समझ लेते हैं। राइट द डेफिनेशन ऑफ नाउन विद एग्जांपल। बच्चों मैंने आपको क्लास में भी नाउन की डेफिनेशन भी आपको लर्न कराई थी। क्या होती है, ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। एग्जांपल भी मैंने आपको बताया, राम, बुक, आगरा, ETC। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, इसी तरीके से आप नाउन की डेफिनेशन साथ ही साथ उसका एग्जांपल भी उसके डाउन में लिख देंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स प्रॉपरली एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। इसमें आप देख पा रहे हैं मैंने आपके लिए 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं, 1, 2, 3 एंड 4, ये नोट डाउन किए हैं। इसमें आपको करना क्या है बच्चों कि जो वर्ड्स हैं इनको क्या करना है, अरेंज करना है सही रूप से, प्रॉपरली, एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। और इसमें से एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाना है। जैसे सपोज दैट, फॉर एग्जांपल, आर गुड बॉय यू अ, तो आप समझ पा रहे होंगे इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है। तो इसका जब आप एक इसको सीक्वेंस में लगाएंगे तो इसका एक जो मीनिंगफुल सेंटेंस निकल के आएगा तो उसका एक सेंस निकल के आएगा। क्लियर? तो ये बच्चों आज का होमवर्क आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कल की वीडियो आपको कल अपलोड हो जाएगी। ओके, बाय बाय।